यार वो सलमान कह रहा था कि कुछ प्लेयर पर्ची पे भी हैं, तुम्हारा तो मुझे पता है तुम पर्ची पे नहीं, पर्ची पे कौन है? पर्ची पे आप देख रहे हैं पीछे आपको शैडो भाग रहे हैं हम देख रहे हैं ना आप हमारी नाच की बात नहीं, मतलब मैं पीछे की बात कर रहा हूँ तो ये बताओ कि तुम अच्छे क्रिकेटर हो, अच्छे मॉडल हो, अच्छे इंसान हो, क्या हो तुम यार? मतलब तुम हर जगह पे होते हो, फैशन शोज पे तुम नजर आते हो, कैटवॉक्स पे तुम, यू टेक देम बाय थंडर, यू टेक देम बाय थंडर स्टॉर्म्स, और क्रिकेट ग्राउंड्स पे तुम होते हो, जितने तुम्हारी बॉलिंग में चीखें आवाजें बाहर से आ रही होती हैं, व्हाट एक्चुअली यू आर यार, मतलब हमें बताओ तो सही। आई एम बेसिकली एन ऑलराउंडर। ऑलराउंडर, जोर किस पे, राउंडर पे है कि ऑल पे है? ऑल पे जी। अहमद के पापा एक और हमारे मेंबर हैं, फाउंडर मेंबर जुनून क्रिकेट क्लब के। ये सिनर्जी आपको पता है कि मार्केटिंग जो है उसके हेड हैं, और अवानन कपाड़िया जो है उसके हेड हैं, और ये बहुत एक फनकार भी हैं क्योंकि वालिद लतीफ कपाड़िया आप सब जानते हैं, उनके बेटे हैं। तो कपाड़िया साहब, जुनून क्रिकेट क्लब के बारे में थोड़ा सा बता दें। भाई कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, हम सारे क्रिकेट खेलते थे पहले। हाँ। और शौक था, और अभी भी चांस है शायद पाकिस्तान टीम में, इंशाल्लाह जरूर है जी, क्यों नहीं है, ये कमाल कर रहे हैं आप, इसके लिए कोई टैलेंट थोड़ी जरूरी है, टैलेंट बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बस इसी वजह से हमने बनाया था, और सीरियस क्रिकेट खेलने के बारे में, वी माइट प्ले कपल ऑफ टूर्नामेंट्स आल्सो। अच्छा, आपकी टीम के बारे में कहा जा रहा है साजिद हसन वाहिद क्रिकेटर है जो क्वालिफाई कर सकते हैं पाकिस्तानी टीम के लिए, क्योंकि अभी स्टिल उनकी एज है। साजिद इज वेरी यंग एक्चुअली, ही इज ओनली 21 एंड नो ही सेड ही वाज 16 ही lies a little, लेकिन लेकिन वो अपना मुंह बंद रखें अगर तो काफी चांस हो सकता है। तो फिर तो कभी क्रिकेटर नहीं बन सकता। He is very vocal actually. Then he can never become a cricketer. He fights with the selectors all the time. Does he? And we might suspend him for the next couple of matches. But that means for one year he might not be playing for you. Yes, yes, yes. So then where would he be playing? भाई देखें, शोएब मोहम्मद को कौन नहीं जानता, son of an illustrious father हनीफ मोहम्मद, और आज हमने शोएब मोहम्मद को दावत दी है कि हमारी परफॉर्मेंस आगे देखें और फिर बताएं कि वो जुनून क्रिकेट क्लब खेलेंगे कि नहीं। मैंने इनको देखा है आज, और मुझे लगता है कि इनको ज्वाइन करना ही पड़ेगा लाइमलाइट में रहने के लिए। अच्छा बताएं, ये जुनून क्रिकेट क्लब जो है, मैंने सबसे सवाल पूछा है उसमें सर किसी का यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको सलमान का दोस्त होना चाहिए ज्वाइन करने के, मेरिट का क्या क्राइटेरिया आपके ख्याल में इस क्लब के लिए है, टैलेंट और मेरिट जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे लिए सलमान को मैं हमेशा से लोगी बुलाता हूँ, तो मेरे लिए ये कैप्टन भी है, जुनून का सुपरस्टार भी है, और मेरे लिए लोगी भी है, तो इसका इसके साथ बहुत पुराना साथ क्रिकेट का रहा है, तो मेरा ख्याल ये दोस्ती यारी ज्यादा चलेगी। सलमान से अभी बात हो रही थी, ये और साजिद ये दो क्रिकेटर हैं जो अभी भी तैयार हैं कि पाकिस्तानी टीम से बुलावा आए तो इंशाल्लाह ताला ये पहुंचे, आप इनके टैलेंट को सामने रखते हुए अभी ग्राउंड में देखिएगा और बताइएगा कि ये इंशाल्लाह कब जा रहे हैं। कोई चांस नहीं जी। कोई चांस नहीं। अच्छा, और टैलेंट को सामने ना रखते हुए भी बता दें, सामने रखते काफी चांस है, यू नेवर नो, दे कैन जस्ट वॉक इन इनटू द साइड। मैं आपको बताऊं कि देखिए ये स्ट्रेंज बात है कि हर फनकार क्रिकेटर बनना चाहता है लेकिन हर क्रिकेटर फनकार बनना चाहता है। ये बताएं, ये छोटा स्टार आपके साथ खड़ा हुआ है, ये इंशाल्लाह ताला ये म्यूजिशियन बनेगा या क्रिकेटर बनेगा? ये म्यूजिशियन भी जरूर बने थोड़ा बहुत, लेकिन नेचुरली थोड़ा बहुत से क्या मतलब है, आप नहीं चाहते कि रिलैक्सेशन के लिए म्यूजिक बहुत जरूरी है, मतलब प्रोफेशनली के लिए जरूरी है। प्रोफेशनली ठीक नहीं? नहीं, प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा तो क्रिकेट के ऊपर आने देना। तो यू वांट हिम टू बिकम अ क्रिकेटर, उसका ट्रेंड है, एप्टीट्यूड है? हाँ माशाल्लाह बहुत है, और जिस फैमिली से पांच टेस्ट क्रिकेटर्स, फादर और चचा और ताया वो निकले हो, तो उनका फिर ग्रैंडसन भी फिर पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट टीम में आना चाहिए, मतलब ऑटोमेटिकली ओपनर तो वो हो गई होगा ना? नहीं, इन लोग की भी मेरे ख्याल से दुआ यही होगी कि ये क्रिकेटर ही बने इंशाल्लाह। दोस्तों, वसीम फिरोज हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हॉकी के इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्लेयर, ओलंपियन, ऑब्वियसली ओलंपियन एंड वर्ल्ड कप, लेकिन चूंकि पता है क्या है, पाकिस्तान में हॉकी को अनफॉर्चुनेटली इतनी रिकॉग्निशन नहीं है, उसका पहला मेरा आपसे सवाल है कि क्यों नहीं? इसलिए कि हॉकी जो है ना हमारी एक्चुअली है ये एमेच्योर गेम है, प्रोफेशनल अगर होती तो ये बहुत जिस तरह से ग्लैमर है प्रोफेशनल के अंदर कि भाई आप एक प्लेयर को जो है टी वी के अंदर मुसलसल 15 मिनट तक उसके ऊपर कैमरा लगा रहा था, क्रिकेट आप देख लें मुस्लिम क्रिकेट प्लेयरों के ऊपर फारे का 15 मिनट खड़ा रहता है, हॉकी प्लेयर जो है रनिंग कर रहा है, सेकंड का गेम है, इधर से उधर पास करना है, उधर से गोल में देना है उसको, मतलब सेंटर फॉरवर्ड को देना है, उसने क्लिक कनेक्ट करना है गोल होना है। अच्छा, तो इसलिए इसमें इतना ग्लैमर नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्रिकेट हॉकी के मैच में हॉकियां ग्राउंड में चलती हैं, क्रिकेट के मैच में हॉकियां बाहर चलती हैं, ऐसा क्यों होता है? ये तो हमारे मीडिया का कसूर है ना कि हमें दे अपना एक्सपोज करे ऊपर लेके आए, और फिर लोगों को भी पहचान हो कि भाई यहाँ ये प्लेयर भी पाकिस्तान की, इतनी जैसा मैं हूँ आपके सामने 12 साल पाकिस्तान की खिदमत की है मैंने,
इतना नाम वर्ल्ड कप हम लोग जीते 94 का सिडनी का आखिरी वर्ल्ड कप ही जीते हैं, उसके बाद जो टीम ने सफर किया है वो आपके सामने okay. आज पाकिस्तान टीम जो है क्वालिफाई राउंड खेल रही है, मतलब क्वालिफाई राउंड खेलने का नौबत आ गई है। बात ये है कि सिर्फ ये है कि मतलब ये बहरहाल जो हो गया पास में हो गया, मगर हमें आगे फ्रंट देखना चाहिए। आप इस टीम के वाहिद प्लेयर हैं जो अंडर 40 हैं, मतलब इसके बारे में आप कुछ बताएंगे। अंडर 40 तो ना, आई एम नाउ 35 इयर्स। नहीं नहीं, अंडर 40 है ना इस टीम में आप। हाँ बिल्कुल, बाकी सारे तो सलमान बता रहे थे क्राइटेरिया यही है कि 40 से ऊपर और जुनूनी भी हो। जुनूनी भी जी, कैसे हो सकता है 40 से ऊपर? एक तो यंग रखना है ना टीम जितवाने के लिए, कोई तो यंग रखेंगे अपना। भाइयों, आप आजकल काफी बिजी हैं, अपने प्लेस वगैरह बना रहे हो, आपका इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है यार, तो हाउ डू यू गेट टाइम टू कम एंड प्ले क्रिकेट एंड यू नो स्टिल हैव टाइम टू एंटरटेन योरसेल्फ एंड पीपल एंड ऑल? इट्स पैशन एंड लव, क्रिकेट इज माय लव, बिकॉज़ आई हैव प्लेड क्रिकेट, ये मुझे वाइज चीज है कि कहीं से भी घसीट के लाया जा सकता। क्रिकेट इज योर लव, उनका नाम क्रिकेट है आजकल? या अच्छा नहीं, सीरियसली, यू ऑलवेज माशाल्लाह वांटेड टू बिकम एंड यू नो मेक इट बिग टाइम इन क्रिकेट, या तो डू यू स्टिल सी इट हैपनिंग? नो, इट्स जस्ट फन क्रिकेट, थोड़ी बहुत हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, सलमान है, उमर है, पांच अच्छे प्लेयर्स हैं, सलमान अहमद है, अली सलमान भी है, मतलब ये भी अच्छे क्रिकेटर है। एक दफा लेकिन उन्होंने कैच पकड़ने की कोशिश की थी, वो आपको वहाँ क्या पता लेंगे, वो मतलब उन्होंने गेंद के पीछे उनको कहा गया कि आप भागे, जब कैच ऊपर था तो उनसे कहा गया कि आप भागे, फिर उन्होंने एक्सलेट किया और भागे वो, और उसके बाद मैं ये और बिक गए अली अली सलमान अली सलमान एक्चुअली बैल इसलिए हुए कि ये मैच फिक्सिंग करते हैं, ये मैं मैच फिक्स करवाता हूं। और जितने भी आर्टिस्ट आप देख रहे हैं उनकी उनके मॉनेटरी फायदे बहुत हो रहे हैं, वो सिर्फ इनकी वजह से, ये फिक्सिंग करवाते हैं, लोगों को फिक्स करवाते हैं। ये बिक गए हैं, ये वो क्रिकेटर हैं जो बिक। सुनने में ये आया कि पाकिस्तानी ये जो टीम यहाँ से जा रही है वहाँ पर विवियन रिचर्ड्स इनके मैनेजर हैं जी। साजिद भाई कुछ बताइएगा, अभी तो बताया था फिर आप वापस आ गए? नहीं नहीं, वो वेस्ट इंडीज के टूर के बारे में पूछ रहा था भाई। देखिए, किस जो हम जो जा रहे हैं, जो आप लोग जा रहे हैं, विव ने मुझे बुलाया था, विव से मेरी बात हो रही थी, विव ने कहा यार तू साजिद कब तक इस तरह जलील होता रहेगा छोटे छोटे मैचेस में, और अली सलमान जैसे लोगों से तू कब तक इंटरव्यू करवाता रहेगा, तू पाकिस्तान छोड़, अभी वेस्ट इंडीज आ थोड़े दिन के लिए। जमैका के बारे में बताएं ना, जमैका की विकेट्स के बारे में बताएं, सुना है बहुत बाउंसी विकेट्स हैं। जी हाँ, खास तौर पे वो जो पानी के अंदर विकेट्स हैं, तो वो उसमें समंदर के अंदर अगर आप खेलें। मैं उन्हीं विकेट्स की बात कर रहा हूं, ये जो देखिए बात असली कि हर आदमी हुमायूं नास की तरह जमीर फरोश नहीं है। ओके, मैं वेस्ट इंडीज की जमैका की विकेट के लिए मशहूर है, बिल्कुल प्लेसिड, बिल्कुल प्लेसिड आई स्वेयर। ये देखिए इस तरह की, सही कहा, लेकिन ये तो बड़ी बाउंसी विकेट है, हम तो जमैका की विकेट की बात। बेटा आजकल पाकिस्तान के अलावा सारी दुनिया में ये गंजों का आजकल दौर दौर है, आप लोग भी देखें। मैं तो होने वाला हूँ, मैं तो आपके फुटस्टेप्स एयर स्टेप दोनों फॉलो, तो मैंने सोचा इससे पहले कि पूरी दुनिया मुझे मैं उस पे चले, मैं कर ही दूना साफ, बस अभी साफ है, अब ठीक है, अब इसमें आपको कोई मसला नहीं। अच्छा साजिद, ये बताएं कि जुनून क्रिकेट क्लब आज से 2 साल के बाद कहाँ होगा? देखिए, एक तो हमारा एक हसरत है कि हम पाकिस्तान की टीम को एक दफा मारे, एक हसरत है हमारी कि पाकिस्तानी टीम हमारे सामने आए, हम उसको रख रख के उसके साथ काम करें, ये हमारी हसरत। अब देखिए साल 2 साल के अंदर, लेकिन साजिद भाई अगर आप उस वक्त पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो फिर क्या होगा? फिर मैं इंशाल्लाह बाकी टीमों को बहुत जलील करूंगा, इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए वो काम करूंगा जो किसी खिलाड़ी ने नहीं किया है, मैं आपको कम से कम खड़ा होकर दिखाऊंगा अंदर, ऐसा कोई काम नहीं। वैसे बाय द वे मैं आपको एक चीज बताते चलूं, ये काफी पोटेंशियल इनमें है, और ये जब हम 88 में जब वेस्ट इंडीज जब जाने वाले थे तो ये बाकायदा कैंप में थे, बॉलिंग भी की थी, और इनको इमरान खान साहब ने बैटिंग भी कराई थी, जस्ट थोड़ा सा एक दो बीट ज्यादा हो गए जिसकी वजह से ये रह गए। वो किसकी बॉलिंग पे बीट हुए थे? उस वक्त प्रॉपर फास्ट बॉलिंग हो रही थी सेंटर ट्रैक के ऊपर स्टेडियम में। अली सलमान, ये अच्छी क्रिकेट की बात हो रही है, आपको नहीं पता होगा ये। मेरा तो क्रिकेट की हमायों ने मेरी बेइज्जती कर दी कैच का जिक्र छेड़ के। अच्छा, अली सलमान बाय द वे हमारी तरफ से खेल चुके हैं, 2 मैच खेले थे इन्होंने, एक मैच में जिन आधी विकेट तक आके इन्होंने ज्यादातर बॉलिंग कराई और इनको बहुत मार पड़ी, इसलिए हमने फिलहाल इनको ड्रॉप किया। उम्मीद है कि खेलेंगे, पोटेंशियल अच्छा है, लंब हाइट भी है, सब कुछ है, मगर थोड़ी अकल इस्तेमाल नहीं करते। नहीं, मेरा मेरी भी अभी उम्र है ना बॉस। हाँ बॉस ठीक है, मगर आप खेला करें ज्यादा यार, ये जो काम आप कर रहे हैं ना मुस्तकिल, इसको छोड़ के कभी कभी क्रिकेट की तरफ। साजिद भाई थैंक यू वेरी मच, हर वक्त पैसा नहीं कमाना, नजर आ रहा है कि बेस्टी शो शुरू होने वाला है, ऑल द बेस्ट फॉर जुनून शो।
दोस्तों, दिस इज जुनून, दिस वॉज जुनून एंड दिस इज गोइंग टू बी जुनून. ये लोग जो अपनी जिंदगी में जो कुछ अचीव कर चुके हैं, टुडे वे दे आर एंड व्हाट दे आर, इज नॉट बिकॉज दे जस्ट वांटेड टू डू इट, इट्स बिकॉज दे लिव्ड विद अ पैशन. दे हैड अ ड्राइविंग फोर्स इनसाइड देम व्हिच एक्सेल्ड एंड ब्रॉट देम टू द पीक ऑफ देयर करियर्स. आज अगर हम अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो हमें भी जुनूनी होना पड़ेगा. हमें अपने अंदर उस तमाम टैलेंट को, उस तमाम एनर्जी को एक डायरेक्शन देके पॉजिटिव साइड पे यूज करना पड़ेगा और ये प्रूव करना पड़ेगा दैट जुनूनीस कैन डू इट इन देयर लाइव्स. एंड इफ यू डोंट हैव दिस थिंग इनसाइड यू, यू मिसिंग समथिंग इन लाइफ. बूमबास्टिक इज अबाउट दिस, जुनून क्रिकेट क्लब इज अबाउट दिस, रियल लाइफ, डेडिकेशन, ड्राइविंग फोर्सेज आर अबाउट दिस. दैट इज व्हाट बूमबास्टिक हैज टू टेल यू. वी लव यू ऑल एंड वी मिस यू. हमने बूमबास्टिक जुनून क्रिकेट टीम में खेलने के लिए संयम यादव से पूछा कि आप बताइए अगर आप हमारी टीम में खेलने में इंटरेस्टेड हो तो. देखिए वो क्या कहते हैं. मैं जी, इन्होंने मुझे कहा था कि मैं इनकी टीम में खेलूं, मगर मैं उस वक्त थोड़ा सा वेस्ट इंडीज जाने के बारे में सोच रहा था और अल्लाह की कलम से ऐसा हुआ कि मेरा बुलावा आ गया है. तो मैं इस वक्त, जिस वक्त आप ये प्रोग्राम चला रहे होंगे, तो मैं इस वक्त बेसिकली जमैका के किसी बीच के ऊपर बैठा हुआ होऊंगा और मैं बड़े आराम से सोच रहा हूँ कि अगर मैं वहाँ होता तो क्या करता और यहाँ हूँ तो क्या कर रहा हूँ. वैसे ये डिफरेंस तो हमारी ज़िंदगी का डिफरेंस है और आप लोग तो समझते हैं कि ये तो भला एक टेक्निकली क्रिटिकल डिसीजन होता है. वैसे मुझे खुशी है कि पाकिस्तान के साले फनकारों ने फैसला कर लिया कि एक ऐसी टीम बना ली जाए जैसी टीम हो कोई ना. और आपको काफ़ी क्रेडिट जाता है सलमान, बूबू, बास्टिक और जुनून ने मिलकर बड़ा अच्छा कदम उठाया. मेरे ख्याल में दूसरा कदम ना उठाएं तो बेहतर है. शुक्रिया दोस्तों. बूमबास्टिक ने ये क्रिकेट टीम बनाई है. जल्दी में तो हमें जो भी मिला हमने उसको उस टीम में डाल दिया, मगर हमें चाहिए सच्चे रूप प्रोफेशनल. आप में से जो लोग समझते हैं कि वो ये अहलियत रखते हैं कि इस टीम को ज्वाइन करें, हमें कॉन्टैक्ट करिए.